नमस्कार मुनि गुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरन। 60 के बाद ठाट की अगर जिंदगी जीना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप आज ही रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ले। जी हाँ, जितनी जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे उतना फायदा आपको 60 की उम्र के बाद मिलेगा। तो कैसे करें रिटायरमेंट की प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लान कैसे बनाएं, कहाँ निवेश करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, चिंता मुक्त कल के लिए आखिरकार आज आपको क्या करना होगा, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कोट्री वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज के CEO ब्रजेश परनामी जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पल्लवी जी। तो ब्रजेश जी, सबसे पहले यही बताइए, हमने अक्सर देखा है कि हमारे दर्शक, निवेशक, जितने भी लोग होते हैं, वो जब रिटायरमेंट की प्लानिंग की बारी आती है तो वो कल पर टालते रहते हैं, सोचते हैं कि कल से प्लानिंग करेंगे, पहले आज के खर्चे निपटा ले। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि लोग काफी हद तक अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग क्या करनी है, बच्चे जो है वही हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएंगे। तो ऐसे में कितना जरूरी ये हो जाता है कि लोग आज से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग जो है जल्द से जल्द शुरू कर दें। देखिए पल्लवी जी, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा कॉमन सेंसिकल भी बात है। आजकल जितना न्यूक्लियर फैमिलीज का, आजकल आप देखिए जितना भी अर्बनाइजेशन हो रहा है तो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज भी हो रहा है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, बच्चों पे डिपेंडेंट रहना ये तो बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है, तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप अपने आप प्लान कर सकते हैं, और समय है तो क्यों नहीं करना चाहिए, आप क्यों बच्चों पे डिपेंड रहेंगे। जैसे आपने कहा कि 60 के बाद ठाट, अगर वो आपको ठाट आपको करना है तो इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग भी और सेविंग भी आप ही को करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी इनकम कम होती जाती है और आपके खर्चे ऑलमोस्ट उतने ही रहते हैं। हाँ ठीक है, आपके बच्चों की, आपकी लाइबिलिटीज़ थोड़ा ओवर ए पीरियड टाइम कम होती है, लेकिन अगर आप उसको इन्फ्लेशन को ऐड करें तो आपकी पैसों की जो ज़रूरत है तो वो ऑलमोस्ट उतनी रहती है, बल्कि बढ़ती चली जाती है उम्र के हिसाब से। आपकी आपकी मेडिकल ज़रूरतें बढ़ती हैं, आपकी इमरजेंसी ज़रूरतें बढ़ती हैं, आपकी दूसरी ज़रूरतें बढ़ती हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चों पे ना डिपेंडेंट रह के आज की डेट में अपना आज का जो सेविंग करें, बल्कि खर्चों से पहले पहले सेविंग करें फिर खर्चे करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रेटजी हम सारे के सारे अपने व्यूवर्स को एडवाइस करते हैं, जो कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है पूरी प्लानिंग आपको करनी चाहिए, खर्चे आप बाद में तय करें, पहले ये सोचिए कि आखिरकार आपको कितना पैसा निवेश करना है, जैसा कि ब्रजेश जी ने भी बताया। लेकिन ब्रजेश जी, आखिरकार रिटायरमेंट की प्लानिंग अगर किसी को करनी है तो वो क्या करे, कैसे स्टेप्स उठाए और कैसे जो है वो पूरी प्लानिंग करे, किस तरह के सवाल जो है रिटायरमेंट प्लानिंग से पहले हमें अपने आप से करने चाहिए? जी, जैसा कि आपने कहा कि सवाल, एक हमने एक अपने व्यूवर्स की थोड़ा ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए 10 सवाल बनाए हैं, जो कि मैं फटाफट से पढ़ दूंगा क्योंकि मुझे पता है समय की थोड़ा कमी है। सबसे पहला सवाल यह है कि आप अपने आप से पूछें कि आप रिटायरमेंट कब होंगे, विच मीन्स डिसाइड योर रिटायरमेंट एज। सपोज आप अभी 30 के हैं, आपको 60 साल बाद रिटायर होना, तो 30 साल बाद आप रिटायर होंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी एज को निश्चित कीजिए रिटायरमेंट की। दूसरा, एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है, तो आप थोड़ा सा आप अंदेशा भी ये भी लगा सकते हैं कि सपोज आप 70 ईयर्स तक जीवित रहेंगे या 75 तक रहेंगे, या आप अपने आप की एक सेल्फ अजम्पशन लगा सकते हैं। करीबन 75 एक एवरेज एज आज की डेट में हम पकड़ते हैं, तो 75 एक एज अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक उचित एज है, मानना कि इतने तक मैं जीवित रहूँगा। मीन्स रिटायरमेंट, सपोज 60 साल की रिटायरमेंट, उसके 15 साल तक मेरे को अपने आप को, अपने सारे खर्चों को मुझे ही देखना है, सारी सेविंग्स को मुझे ही देखना है, तो 15 साल बाद रिटायरमेंट के भी मेरी ज़िंदगी है, तो उसके हिसाब से प्लान करना है। तीसरा यह है कि मेरा आज की डेट में मंथली खर्चा कितना है और आने वाले समय में क्या मंथली खर्चा होगा, उसमें हम इन्फ्लेशन को भी ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरे एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बताया कि ये जो खर्चे आज के हैं, ये आगे रिटायरमेंट के बाद ये खर्चे क्या होंगे, और उसमें इन्फ्लेशन के हिसाब से, क्योंकि अगर हम 5% इन्फ्लेशन रेट जोड़ेंगे, जो आज के खर्चे हैं मेरे, आज सपोज 100 रुपये का खर्चा करता हूँ और 20 साल बाद भी मैं 100 रुपये करूँगा, ये गलत है। वो 20 साल बाद बहुत उसका 4 to 5 times हो जाएगा कम से कम, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्या मेरे पास कंटिजेंसी कॉर्पस है क्या, एक ये सवाल जानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैंने क्या एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर लिया है, टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि एज के साथ साथ आपके इंश्योरेंस के खर्चे और आपके मेडिकल इंश्योरेंस के खर्चे खास तौर से आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो उसको एक एडिक्वेट कवर एक इम्पॉर्टेंट है लेना। तीसरा कि मेरे पास आगे एक सवाल है कि मैं क्या ओन करता हूँ, मतलब व्हाट इज़ माय नेटवर्थ टुडे, व्हाट आर माय, यू नो, वेदर इट इज़ प्रॉपर्टी, वेदर इट इज़ गोल्ड, वेदर इट इज़ इन्वेस्टमेंट, क्या ओन करता हूँ मैं।
उसके बाद मैं कितना कैश लो, सपोज रिटायरमेंट के बाद मेरी सैलरी आना बंद हो जाएगा, या सपोज मैं कोई बिजनेस करता हूँ 60 साल के बाद वो बिजनेस भी शायद मेरे बच्चे संभाल लेंगे, मेरे नाम पे नहीं रहेगा, तो मेरे कितना कैश फ्लो मैं जनरेट कर पाऊंगा, वो कैश फ्लो कैसे जनरेट होगा आगे आने, आपके जो सेविंग आज की है वो आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कितना रिटर्न आपको देगी, वो आपका एक पैरामाउंट कैश फ्लो बनता है आगे जाके। और मैं क्या करना चाहता हूँ, लास्ट सवाल ये है कि मैं क्या करना चाहता हूँ रिटायरमेंट के बाद, क्या मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्या मैं रिटायरमेंट के बाद की अपनी लायबिलिटी फ्री जिंदगी जीना चाहता हूँ, क्या मैं वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ, क्या मैं अपने वाइफ के साथ कहीं दूसरी जगह घर लेके रहना चाहता हूँ। तो ये सारे करीबन 10 सवाल हैं, ये आपको पहले उनका आंसर जानना जरूरी है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये सवाल आपने पूछे, आपने उनका आंसर लिखा ऑनेस्टली, तो ऑटोमेटिकली योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट द राइट सॉल्यूशन। सो पहला स्टेप तो ये सवाल जानना जरूरी है, उसके बाद से प्लानिंग करना बिल्कुल बेहद जरूरी हो जाता है कि आप ये 10 सवाल जो हैं अपने आप से पूछें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक प्लान बनाने में आपको पूरी मदद मिलेगी कि आखिरकार जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको अपने मासिक खर्च के तौर पर कितना पैसा चाहिए। लेकिन प्रजेश जी कहते ना कि सबसे जो पहला कदम होता है वो सबसे अहम कदम होता है किसी भी प्लानिंग के लिए, तो आखिरकार जब हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करें तो हमारा वो पहला कदम क्या होना चाहिए? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट कदम यही है, जैसे मैंने बताया, पहले आप अपनी रिटायरमेंट की एज तय कीजिए, दूसरा आपके खर्चे कितने होंगे। सपोज़ आज की डेट में आपके खर्चे ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई है, घर की ईएमआई है, बच्चों की स्कूल फीस है, या आपके मेडिकल एक्सपेंस या इंश्योरेंस के खर्चे हैं, तो जितने भी मंथली एक्सपेंसेस हैं आप उनको पहले लिखिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मंथली खर्चे लिखने के बाद आपको पता लगेगा कि ये मेरे एक्स खर्चे हैं, आगे आगे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके बच्चे भी बढ़ेंगे तो आपके खर्चे उनके प्रति कम हो जाएंगे, लेकिन आपकी मेडिकल एक्सपेंस के प्रति ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा वो प्लानिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरे मंथली खर्चे आज कितने हैं और आगे आने वाले समय में कितने रहेंगे। तो उसमें एक इन्फ्लेशन जो एक वर्ड होता है कि जैसे आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो उसमें एक कंजर्वेटिव जो हम पकड़ें 5% ईयर ऑन ईयर आपको इन्फ्लेशन को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मंथली खर्चे हैं आपके उसमें से आप माइनस करें, आपके बच्चों के खर्चे ओवर ए पीरियड टाइम कम हो जाएंगे, लेकिन शादी उनकी करनी है और या उनको लिए घर दिलाना है या आपको घर का लोन उतारना है, वो सब खर्चे आपको मालूम है कितने, तो आप लिस्ट डाउन करेंगे। सपोज जो खर्चे लोन उतारने के बाद आपके फिर भी मंथली रूटीन खर्चे कितने बढ़ेंगे, उसमें आप 5% इन्फ्लेशन को तय करेंगे। तो ये तो पहला अहम स्टेप है आपका, सबसे पहला स्टेप तो यही है। बिल्कुल, तो ये काफी अहम स्टेप है जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आखिरकार आपको किस तरह से पहला कदम उठाना है, रिटायरमेंट की पूरी प्लानिंग अगर आपको करनी है तो कैसे करनी है। ब्रजेश जी, हम अपनी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनके पास चलते हैं। हमारे साथ गिरिशंकर कुमार जी जुड़े हैं। गिरिशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे पास कुछ फंड है मैम, मुझे ये जाननी थी कि क्या ये फंड मैम सही है। मैम, एक साल से मैं इन्वेस्टेड हूँ इन फंडों में। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है मैम, एक 2000 पर मंथ का। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मस्ट फोकस्ड, और तीसरा है मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड, और चौथा है मैम LNT इमर्जिंग बिजनेस फंड, और पाँचवा है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तो मैम मुझे 21 साल बाद 2 करोड़ रुपये की राशि चाहिए। तो मैम इधर मैं कुछ जैसे देख रहा हूँ कि तो HDFC जी मैम जी जी हाँ मैम HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड मैम इधर कुछ मैं देख रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या मैम मुझे ये स्विच कर देना चाहिए कि इसमें बने रहना चाहिए, क्या मैम इसमें थोड़ा उचित सलाह दें? जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ब्रजेश जी जैसा कि इन्होंने बताया कि ये फिलहाल जो है 5 फंड्स में निवेश कर रहे हैं, और थोड़ी सी डिटेल्स इन्होंने ईमेल के जरिए और दी थी जो मैं आपको बता देती हूँ। मासिक आय इनकी 24,000 है, 9,500 रुपये की इनकी SIP चल रही है, और अच्छी बात यह है कि तमाम स्कीम्स में इन्होंने अभी डायरेक्ट निवेश किया हुआ है, और बताते हैं कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे ये निवेश भी बढ़ाते जाएंगे। एक लक्ष्य का जिक्र इन्होंने और भी किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि इन्हें 5 साल में 7 लाख रुपये चाहिए। फिलहाल ये जो है अपने पूरे पोर्टफोलियो पर आपकी राय चाहते हैं, तो क्या सलाह देंगे आप इन्हें? जी पल्लवी जी, मैंने इनका पोर्टफोलियो देखा, पहली बात तो इनका फंड सिलेक्शन अच्छा है जो कि ये कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं ये कैलकुलेशन करके देख रहा हूँ, और अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न भी अगर अज्यूम करूँ जो इनके फंड्स हैं जैसे मिड कैप और MOSL जो इन्होंने बताया, उस पर अगर मैं 18% का भी रिटर्न अज्यूम करूँ, क्योंकि इनका पहला जो गोल है मैं
अलोकेट करता हूँ, इनके जो दो फंड हैं वो अलोकेट करता हूँ इनके पहले गोल के लिए, लेकिन 18% का रिटर्न के बावजूद भी मैं देखता हूँ कि ये शायद जो निवेश की जो राशि है वो पूरी नहीं होगी इनके लिए, इनको थोड़ा सा ऑलमोस्ट MOSL में मैं ये चाहूँगा कि डबल करना पड़ेगा इनको इन्वेस्टमेंट। अगर इनको अगले 5 सालों में 5 से 7 लाख रुपए चाहिए तो MOSL में करीबन 3,000 रुपए इनको डालना पड़ेगा। और रही बात HDFC मिड कैप की, देखिए अभी सारे मिड कैप थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम हम निवेशक को ये भी सलाह देते हैं कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है टिके रहने का, क्योंकि मिड कैप एक बहुत अच्छी कैटेगरी और HDFC काफ़ी जाना माना मिड कैप फंड है, तो ये अपनी परफॉर्मेंस को वापस लेके आएंगे। और अभी जो है सारी मिड कैप एज ए कैटेगरी ही लो चल रही है, तो ये एक अच्छा वैल्यूएशन, अच्छा एंट्री का भी एक ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये कहूँगा कि आप ये जारी रखें अपना निवेश, इसमें अभी आप पेशेंस बनाए रखें। और दूसरी बात, इनका जो सेकंड गोल इन्होंने बताया था उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि खाली 6,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से इनका नहीं होगा, इनको ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा उस इन्वेस्टमेंट को भी, जो इनका गोल जो ये 2 करोड़ रुपए का ये जो पाना चाह रहे हैं। अभी जो ये जो फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट से मैं देख रहा हूँ करीबन 16% का रिटर्न भी अगर मैं देखूँ तो करीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए का रिटर्न 21 साल का जो इन्होंने समय बताया उससे होगा। तो अगर इनको 2 करोड़ का चाहिए तो ऑलमोस्ट डबल जितना ही इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सेम कैटेगरी में अपने इन्वेस्टमेंट को ये बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो किरशंकर जी आपके लिए सलाह ब्रजेश जी की ये है कि आपको अपना निवेश जो है वो ज़रूर बढ़ाना होगा। खैर, अगर आप इकट्ठा निवेश नहीं बढ़ा सकते तो बेहतर रहेगा कि धीरे धीरे अपना निवेश जो है सालाना दर सालाना ज़रूर बढ़ाते जाइएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ब्रजेश जी की सलाह के साथ आप अपने तमाम लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। खैर ब्रजेश जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चूंकि रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, आपने बड़े अच्छे से बखूबी समझाया कि किस तरह से हमें पहला कदम उठाना चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट का जब कॉर्पस तैयार करने की बारी आती है तो अक्सर लोगों की जो होती है वो इसमें गड़बड़ा जाती है। हमने देखा है कि लोग ठीक से एस्टिमेट नहीं लगा पाते हैं कि कितना कॉर्पस उन्हें चाहिए होता है, तो किस तरह से हम ये अंदाजा लगाएं कि हमें अपने रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए होगा? जी देखिए, दो चीजें हैं, जैसा मैंने पहले बताया आपको, आपका जो एक्सपेंसेस का एस्टिमेट वो आपको खुद लगाना होगा कि आपके हिसाब से आपको कितना एक्सपेंस आगे जाके, जो आज का एक्सपेंस है वो आगे जो भी आपके रिटायरमेंट एज के बाद कितना एक्सपेंस होगा, उसमें 5% आप ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन को ऐड ज़रूर कीजिए, जो कि जहां अक्सर गलती हमने ये देखा है हमारे निवेशक जो ये करते हैं कि इन्फ्लेशन को ये साइड में रखते हैं। तो इन्फ्लेशन का 5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, आपकी जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट्स हैं तो सपोज आप उस पर आज की डेट में कितना परसेंट आप इंटरेस्ट उस पर जनरेट कर रहे हैं, अल्फा जनरेट कर रहे हैं, तो सेम थिंग आप उसको कंटिन्यू कीजिए। और आप हो सकता है आप कैटेगरी वाइज अगर आप अपना एलोकेशन देखें तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ढंग से अगर स्विच करते रहें तो उसमें भी आप 1 से 2% का आप उसमें इजाफा ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों फिगर आ गई, आपके एक्सपेंस की फिगर आ गई और आपकी एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी रिटायरमेंट एज के बाद, वो आपके पास फिगर आ गई। तो दोनों फिगर को आप मैच करेंगे तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। अगर आप जो आपको जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस को गैप को फिल करने के लिए आपको आज की डेट में कितना इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा वो आपको तय हो जाएगा। तो उसमें भी एक छोटा सा हम लॉजिक ये देते हैं कि आपकी एज, रिटायरमेंट एज के हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को तय कीजिए। ये नहीं कि आपकी रिटायरमेंट एज खाली अब 10 साल में आप सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगा दीजिए, या सपोज आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो वो एक इलिक्विड फंड बन जाता है, क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी जैसे जैसे रिटायरमेंट एज नज़दीक आती है आपको अपने पैसे को लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा रखना है, ना कि एक फिक्स्ड फॉर्म में, कि भाई आपको जैसे प्रॉपर्टी में डाल दिया तो प्रॉपर्टी शायद बिके ना बिके आपके रिटायरमेंट एज के बाद। तो ये एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आती हैं, लेकिन हाँ साफ मैथमेटिक्स ये बोलता है आप अपने एक्सपेंस कैलकुलेट कीजिए, उसमें आप इन्फ्लेशन के परसेंटेज को ऐड कीजिए और फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिए फ्यूचर में जाके कितनी होगी, जो गैप बचता है गैप को फुलफिल करने के लिए आपको आज की डेट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। यानी कि बहुत ज़रूरी है कि तमाम अपने खर्चों का एक एस्टिमेट बनाइए और उसके बाद जो है आपको सही अंदाज़ा हो पाएगा कि आपको आखिरकार रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा चाहिए, लेकिन इस बीच में अपना इन्फ्लेशन वैल्यू जो है वो ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि महंगाई दर अगर आपने ऐड नहीं किया तो आपकी सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ा सकती हैं। ब्रजेश जी अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनके पास चलते हैं। हमारे साथ दीपक त्रिपाठी जी जुड़े हैं लखनऊ से। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जी मैम, जी मैम, आपका मैं परमानेंट चैनल देखता हूँ, उसी की रिकॉर्डिंग। जी मेरा क्वेश्चन ये है मैम, दो क्वेश्चन है।
मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको मेल किया हुआ था, उसमें 5 फंड है जो 9000 रुपए की SIP है, 10 ईयर्स के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये मतलब करना है कि कितना कॉर्पस मेरा होता है, और एक LIC है मेरे पास दो, वो मैंने आपको भेजा, तो उसमें मेल किया हुआ है, बस उसी की रिकॉर्डिंग मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। जी बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, दीपक जी जो हैं कि उम्र 28 साल है और 3 महीने पहले जो इन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत की थी 9000 रुपए की SIP के साथ, 10 साल के लिए बताते हैं कि निवेश करना चाहते हैं और इरादा इनका फिलहाल अभी वेल्थ क्रिएशन का। LIC के इनके पास दो प्लान्स हैं जिसमें जीवन उमंग में 28,500 रुपए का ये सालाना प्रीमियम दे रहे हैं और जीवन लाभ में 18,000 रुपए का। पोर्टफोलियो में एक इसके अलावा मिड कैप का फंड भी जोड़ना चाहते हैं और 1,000 रुपए की और SIP करना चाहते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे इन्हें? पल्लवी जी, इनका फंड सिलेक्शन मैंने देखा, फंड सिलेक्शन अच्छा है, ये कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात 1,000 रुपये का जो मिड कैप इन्होंने फंड और कैटेगरी में ये सिर्फ ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें से LNT है, DSP है, UTI, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, किसी में भी 1,000 रुपये की ये सिर्फ चालू कर सकते हैं। और इनका दूसरा सवाल ये था कि इनके पास करीबन 10 साल का समय है, 10 साल में जो जितने भी इनकी 9,500 की जो SIP अभी चल रही हैं उसमें इनको कितना कॉर्पस मिलेगा। तो मैं ये कैलकुलेशन के हिसाब से देख रहा हूँ कि करीबन 27 से 30 लाख रुपए का इनका कॉर्पस बनना चाहिए, और जो भी इनकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी और ये प्लान के हिसाब से, जैसे इन्होंने 15 साल और 10 साल का कुछ LIC का लिया है, तो उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से जो भी इनको बेनिफिट वो पॉलिसी में लिखा होगा वो होगा, प्लस 27 लाख रुपए तक इनको इनका कॉर्पस बनना चाहिए। बिल्कुल, 27 लाख रुपए तक का दीपक जी जो है आपको कॉर्पस जो है वो 10 साल के बाद मिल सकता है। खैर, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम आज बात कर रहे थे कि आखिरकार कैसे हम 60 के बाद जो है ठाठ भरी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन ब्रजेश जी, अक्सर हमने देखा है कि रिटायरमेंट की हम लोग जब प्लानिंग करते हैं तो इसमें एक बड़ी गलती हम ये कर लेते हैं कि जो हमारे गैर जरूरी खर्चे होते हैं उन पर लगाम नहीं लगा पाते, और उस वजह से शायद कहीं ना कहीं हम अपना पैसा जो है सही तरीके से निवेश नहीं कर पाते। तो आखिरकार इस आदत को, इस गलती को हम कैसे सुधारें और कितना जरूरी हो जाता है कि गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाई जाए? जी देखिए, ये तो बड़ी कॉमन सेंसिकल बात है कि जो खर्चे में हमेशा हम तो अपने निवेशक को सलाह यही देते हैं कि जब आप अपना मंथली एक्सपेंस शीट तैयार करते हैं तो आप खर्चों से पहले आप अपनी सेविंग्स को रखिए, कि सेविंग्स ही समझिए आपका एक खर्चा है। तो आप खर्चों सेविंग को एज ए खर्चा मानेंगे ना, तो आगे जाके यही खर्चे ये पॉजिटिव खर्चे हैं और बाकी दूसरे नेगेटिव खर्चे होते हैं। तो सेविंग्स इज इक्वल टू पॉजिटिव खर्चा, आप पकड़ के उसको साइड में उसको भी एक्सपेंस का एक हिस्सा मानिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जब आपको पता लगेगा कुछ पॉजिटिव खर्चे कुछ नेगेटिव खर्चे हैं, तो जैसे जैसे आप जीवन में भी देखते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों को हमने बढ़ाना है, नेगेटिव चीज़ों को हमने कम करना है, तो सेम आप लॉजिक यहाँ पे, एक स्ट्रेटजी यहाँ पे भी लगाइए कि पॉजिटिव खर्चे ताकि जो कि आपकी सेविंग्स हैं और फर्दर उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खर्चों से पहले सेविंग, और सेविंग को कन्वर्ट करें आप इन्वेस्टमेंट में, और जैसे आपके जितने भी फ्रिवलस एक्सपेंसेस हैं कि जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, तो उन पे आपको एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में छोटी छोटी सेविंग बूंद बूंद से सागर बनता है, तो उसी लॉजिक को आप ध्यान में रखें, यहाँ तक मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लॉजिक को आपको बिल्कुल खास ख्याल आपको रखना चाहिए, जैसे कि ब्रजेश जी ने भी बताया कि सबसे पहले ये देखिए कि आपको कितना जो है फ्यूचर के लिए निवेश करना है और उसके बाद ही आप जो है खर्चों पर का हिसाब लगाइएगा। खैर, एक ब्रजेश जी ज़रूरत जो ये होती है हमारे रिटायरमेंट के बाद कि हमारे हेल्थ के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमने अक्सर ये भी देखा है कि लोग जो है वो कंपनी से मेडिक्लेम जो पॉलिसी मिलती है उसी पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट रहते हैं, पर्सनल इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, और उनको इस चीज की बाद में याद आती है जब उनकी उम्र ऑलमोस्ट जो होती है 60 हो चुकी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है और इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, मैं मानता हूँ पल्लवी जी, ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही बड़ा ब्लंडर जिसको बोला जाएगा, ये ब्लंडर है, ये गलती नहीं ब्लंडर होता है, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि अगर एक इंडिविजुअल, अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है और अपने कंपनी के मेडिक्लेम पे ही डिपेंडेंट है, तो देखिए अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो जॉब आपकी कभी भी, आपको पता है आने वाले समय में सबको डिजिटल हो रहा है, तो जॉब कैसी कितनी निश्चितता है ये तो वो इंडिविजुअल को ही मालूम है। लेकिन हम ये मानते हैं कि दिस इज़ नॉट ए सेफ स्ट्रेटजी टू रिलाई ओनली ऑन योर मेडिकल इंश्योरेंस गिवन बाय द एम्प्लॉयर। आपका एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बहुत ही ज़्यादा, बल्कि उसमें फैमिली का कवरेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ मेडिक्लेम इंश्योरेंस ऐसी होती हैं जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो आपकी फैमिली को, स्पेशली आपके पेरेंट्स को मोस्टली कवर नहीं करते हैं, या आपने उसमें भी थोड़ा बहुत मान लीजिए प्रीमियम
प्रीमियम कम किया तो आपके पेरेंट का कवरेज बाहर हो जाता है या आपके फैमिली का कवरेज कम हो जाता है, खुदा ना खास्ता आपको या आपकी फैमिली को या आपके डिपेंडेंट्स को कुछ होता है तो आपका प्लान कवर पूरा नहीं कर पाता है उसको। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आप कवरेज आपकी कम होती चली जाती है और आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ाती चली जाती है। तो जितने आप यंग हैं उतना जल्दी आप अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको कवरेज उतना ही मिलता चला जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा टेक्निकल इशू बन जाता है कि आपने सिर्फ खाली मेडिक्लेम पे डिपेंड किया और मान लो अगर आपकी जॉब नहीं रही और आपने पर्सनल इंश्योरेंस भी नहीं ले रखा तो आप क्या करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस, जरूरी हो जाता है कि आप वक्त रहते जो हैं वो सही तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस भी लें और टर्म प्लान जो है उसको तो कतई ना भूलें। खैर आखिर में एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि आखिरकार कैसे जो है हम अपना एक परफेक्ट पोर्टफोलियो रिटायरमेंट के लिए तैयार करें और कितने कितने समय में से रिव्यू करें। जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि आपका खर्चों का एक्सपेंस, इन्फ्लेशन का आपका एस्टिमेट और आपकी एग्जिस्टिंग सेविंग्स कितना है तो उसमें कितना गैप है उसको आप पहले एस्टैब्लिश कीजिए, दैट इज़ वन। सेकंड, आपके पास कितना रिटायरमेंट का एज है। जैसे हम अपने दूसरे निवेशक को बताते हैं कि आपका गोल, आपका होराइजन कितना है इन्वेस्टमेंट का। सिमिलरली आपके पास सपोज आप 40 के हैं, 20 साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए, तो आपका जो गैप आपको फुलफिल करना है तो उसके लिए गैप फुलफिलमेंट के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अमाउंट को, आपको थोड़ा एसेट एलोकेशन को अपना प्रॉपर रखना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा उस पैसे को इक्विटी में नहीं लगा सकते हैं या आप रियल एस्टेट में नहीं लगा सकते, आपको उस पैसे को थोड़ा लिक्विड फॉर्म में भी लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी रिटायरमेंट एज के हिसाब से आपके गैप को आपको फुलफिल किस फंड में, किस फॉर्म में, एसेट में लगाना है, इक्विटी में लगाना है या डेट में लगाना है, वो थोड़ा सा जैसे जैसे आपकी रिटायरमेंट एज नज़दीक आती है आप उसको डेट में इन्वेस्ट कीजिए ना कि इक्विटी में। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और अपना समय समय पर पोर्टफोलियो जो है वो भी जरूर रिव्यू करते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि कैसे वो रिटायरमेंट के लिए एक परफेक्ट प्लान तैयार कर सकते हैं। तो आज की मनी गुरु की इस खास पेशकश में इतना ही।